हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपिकाज ग्रीन चिली। आज हम बनाएंगे हरी प्याज और पालक के पकौड़े। तो चलें, इनके लिए लेंगे थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धनिया, 3-4 क्लोव लहसुन की, 2 से 3 हरी मिर्चें और 3 टमाटर। इसे हम कोर्स पीस लेंगे। 1 नींबू का रस डालेंगे। नमक टेस्ट के को, इसे हमें कोर्स पीसना है, स्मूथ नहीं करना, बिल्कुल कोर्स सा रखना है, तभी चटनी अच्छी बनेगी। इस तरह से पीस के रेडी हो गई। हमें इसे मोटा मोटा ही रखना है। मैं ले लूंगी हरी प्याज, मेरे पास हरी प्याज है, मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। हरी प्याज ली है, फिर मैंने लिया पालक, पालक को भी अच्छे से वॉश करके चॉप करके, आपके ऊपर, आप इसमें क्या क्या डालना चाहते हो, और भी चीजें डाल सकते हो। मैं डालूंगी 1 आलू, 1 बड़ा आलू था चॉप करा हुआ, वो डाल लिया है, थोड़ी सी प्याज चॉप करी हुई वो डाल लिया है। मेरे पास है ये अजवाइन के पत्ते, आपके पास अगर नहीं हो तो भी चलेगा, आप नॉर्मल अजवाइन डाल लो, मैं अजवाइन के पत्ते डालूंगी। इसको बिल्कुल महीन महीन काट के, बहुत फायदा करते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। आप अजवाइन बहुत स्ट्रांग होते हैं, इनकी स्मेल बहुत अच्छी होती है, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है। उसमें डालूंगी मैं नमक, नमक डालने से ये होगा कि सारी सब्जियां अपना पानी छोड़ देंगी, और हमें पानी नहीं यूज करना। अब मैं इसमें डालूंगी बेसन, 1 कप बेसन है, मैं धीरे धीरे करके डालूंगी, जिससे कि ये अच्छे से इसमें कस कस के दबा दबा के मैं इसलिए कर रही हूँ कि वो बेसन अच्छे से मिल जाए सब्जियों में। आप इसमें चाहे तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, मैंने हरी मिर्च इसलिए डाली क्योंकि हमने जो चटनी बनाई है उसके साथ और वो ऑलरेडी तीखी है। बेसन हम धीरे धीरे डालेंगे। थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी, और अब आप देख रहे होंगे ये मैंने अच्छे से कर लिया है, ये ऐसे पकौड़ा मेरे हाथ में रुक रहा है, तो मीन्स ठीक है, अगर नहीं तो और बेसन डालेंगे। गर्म है, अब हम अपने पकौड़े इस तरह से छोड़ेंगे। इसमें हमें चावल का आटा ऐसा कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी वैसे ही बहुत कुरकुरे बन जाएंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक ऐसे सेकना है, और बस हमें से एक नैपकिन पे टिश्यू पे निकाल लेंगे। रेडी टू सर्व।